और जब जब लीडरशिप अगर आई हमारे दरमियान में, तब तक नाम नहाद सेकुलर पार्टी के मुसलमानों ने हमारे मुस्लिम लीडरान को यह कहकर के बदनाम किया, ये तो बीजेपी का एजेंट है। नरेंद्र मोदी अगर इटावा में आते हैं अखिलेश यादव के यहां शादी में, तो कोई बीजेपी का एजेंट नहीं कहता। मुलायम सिंह यादव दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए शुभकामनाएं देते हैं तो उनको कोई बीजेपी का एजेंट नहीं कहता। अगर हम बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ अगर हम एक ताकत बनकर के खड़े होने की कोशिश करते हैं तो हमारी पार्टी को, हमारे समाज को सिर्फ इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि हम कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, और बदनाम करने वाला मेरा कोई हिंदू भाई नहीं है, हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई गैर मुस्लिम भाई नहीं है, हम पर इल्जाम लगाने वाले कोई समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम नाम नहाद चपरासी है जो अपने आका को खुश करने के लिए मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी को इलेक्शन में दिखाने के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं ताकि उनको बड़ी कुर्सी मिल जाए। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 पार्टियां हैं, तमाम तबके की नुमाइंदगी करती है, MIM पार्टी भी उसका हिस्सा है। 2022 में हम इंशाअल्लाह ताला मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे संयोजक ये तय करेंगे कि कहां से हम लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे। पूरे प्रदेश की इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम 403 विधानसभा में भागीदारी संकल्प मोर्चा अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा का कैंडिडेट वो दीदारगंज से भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। 403 में दीदारगंज विधानसभा भी है। मुसलमानों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि चाहे वो MIM की तरफ से भेजा गया हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से भेजा गया कैंडिडेट, वो आपका कैंडिडेट होगा। हमको मिलकर के इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को इस मरतबा उत्तर प्रदेश से उखाड़ करके फेंकना पसंद कर रहा हूँ कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ करो कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। भारत के अंदर जहां से हमारा वजूद है, जहां पर हमारा केंद्रीय कार्यालय दारुसलाम है, आज तक तेलंगाना जब वो आंध्रा था तब भी, और आज तक 70 साल आजाद हुकूमत में कभी वहां बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी। तो अगर हम बीजेपी की भी टीम है, अगर हमारा मोर्चा बीजेपी की भी टीम है, तो हम चाहते हैं कि सपा और बसपा किसी भी टीम में शामिल हो जाए। जिस तरीके से आंध्रा तेलंगाना में हमने बीजेपी को रोका, उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को रोक करके दिखा देंगे। बहुजन समाज पार्टी कहती हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कर लिया आपने 2019 के इलेक्शन में? सपा बसपा का अलायंस मिलकर के बीजेपी को नहीं रोक पाया। 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई रोक सकता है तो वो जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब की कयादत वाला भागीदारी संकल्प मोर्चा ही बीजेपी को रोक सकता है। बाकी किसी के पास कोई वोट नहीं है। आज क्यों लोग कहते हैं कि हम छोटी पार्टियों से अलायंस करेंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी भी बार बार ये बात कहते हैं कि ये लोग इसलिए कहते हैं कि हम छोटी पार्टियों से अलायंस करेंगे क्योंकि छोटी पार्टियों के पास ही वोट बैंक है और किसी के पास वोट नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मुसलमानों, मैं आपसे मुखातिब हूं। 1947 में वतन अजीज की आजादी के बाद इस मुल्क के अंदर दो पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी मुस्लिम लीग थी। हमारे बड़ों ने 1947 दिसंबर के महीने में लखनऊ के रफाए आम कलम में एक कन्वेंशन बुलाया। उस कन्वेंशन की सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। मुसलमानों, तमाम हिंदुस्तान से दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि अरे मुसलमानों, तुम अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना,
मुसलमानों ने लबैक कहा। कहा है मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग के लीडरान तुम्हारे लीडर नहीं है, तुम्हारे कायद नहीं है। मुसलमानों ने लबैक कहा। कहा कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, मुसलमानों ने लबैक कहा। नेहरू को अपना लीडर माना, उनके झंडे को उनको डंडे को अपने कंधों में रख के जिंदाबाद का नारा लगाया। एक साल, दो साल, तीन साल नहीं, 60 साल का इख्तदार हमने इस मुल्क का कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर फिरका वाराना फसादात हुए, जिसमें सबसे ज्यादा किसी कौम का जानी और माली नुकसान हुआ, तो बिना शुबा मैं कहूंगा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का हुआ। क्या ये बात गलत नहीं है कि फिरोजाबाद जो एक ऐसा शहर जिसको कांच के नाम से, चूड़ियों के नाम से जाना जाता था, वहां तजारत का काम, चूड़ियों का काम हमारे हाथ में था। लेकिन एक मुनज्जम मंसूबा बंद साजिश के तहत उस शहर को में दंगे करवाए गए, मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मुरादाबाद के अंदर ब्रास का कारोबार हमारे हाथ में था, लेकिन एक मुनज्जम मंसूबाबंद साजिश के तहत फसाद करवा करके वहां मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ऐ मुसलमानों, आप अंदाजा करो मुल्क की आजादी के बाद सरकारी नौकरियों में आपकी तादाद 34% थी, मौजूदा वक्त में सरकारी नौकरियों में आपकी तादाद 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब नहीं है, उसकी जिम्मेदार वो नाम यहाँ सेकुलर पार्टियां है, जिस पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना था, जिनके लीडरान को हमने अपना लीडर माना था। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुलायम सिंह यादव को हमने अपना लीडर माना, हमने वोट डाला, नोट दिया, सपोर्ट किया, जिंदाबाद के नारे लगाए, सेकुलरिज्म पर हमने भरोसा किया। लेकिन क्या मिला हमें? मुसलमान पसमांदा होता चला गया। जब जब सामाजिक संगठनों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये मांग रखी कि मुसलमान पसमांदा है, मुसलमान पिछड़ रहा है, तो कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी कुंटू कमीशन, कभी गोपाल कमीशन, कभी सच्चर कमेटी के नाम से कमेटियों का गठन हुआ। तमाम कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। मेरे भाई, क्यों 832 साल हुक्मरानी करने वाला मुसलमान महज 70 सालों में अगर इस मुल्क के अंदर दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज 14% सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आपकी आबादी हिंदुस्तान में, और जेल की सलाखों में 35%। क्यों? आज आप बताइए, उत्तर प्रदेश के सारे थानों में जाइए, यादव का बेटा 4 मिलेगा, दलित का बेटा 4 मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं। अच्छी बात है, उन्होंने अपना परचम बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना लीडर बनाया, काशीराम पंजाब की सरजमीन से उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आए और कहा कि ऐ दलितों, जब तक तुम अपना झंडा नहीं बनाओगे, अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगे, अपना नेता नहीं बनाओगे, तुम्हारी माँ बहनों की इज्जतें लूटती रहेगी। जो दलित, जिस दलित के बारे में लोग कहते थे गोबर से दाना निकाल करके खाने वाली कौम, आज वो कौम के हालात आप देख लीजिए। जब उसने अपना झंडा, अपना डंडा बनाया, तब जाकर के अपने हुकूक को पा लिया। आप दूसरों के दरवाजे पे जाकर के ये चाहे कि गिड़गिड़ा करके आप अपने हुकूक को पाले, ये नामुमकिन है। आप 70 सालों से यही कर रहे हैं।